अच्छे होंगे। और आप देख सकते हो ये है गोवा का बीच, और हम हैं अभी पानी में, हम हैं नाव में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं डॉल्फिन देखने के लिए। बाघा बीच से हम लोग जो है नाव में बैठ के और डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो पानी कितना अच्छा लग रहा है गाइस, और सीन तो देखो कितना प्यारा है, मज़ा आ गया देख के सच में। और इसके अंदर देखो कितनी प्यारी प्यारी नाव चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है गाइस सच में। मुझे गोवा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ पहले कभी, बट आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है देखने में, जगह कितनी प्यारी है, और सच में ना मज़ा ही आ गया। देखो आप किनारे इसके कितने प्यारे हैं, इसके किनारे किनारे ना मतलब होटल हैं, और अपना वो है मतलब होटल वगैरह और कैफे रेस्टोरेंट ये सब कुछ जो है इसके किनारे किनारे में देख सकते हो। और यहाँ पे जो है ना मोबाइल जो है ना टेढ़े में है तो इस वजह से, बट आप पूरा वीडियो देखोगे ना बड़ा मज़ा आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी कितना दूर दूर तक पानी पानी है। तो गाइस देखो जहाँ देखो वहाँ मज़ा आ गया यार सच में, ये सीन देख के ना तो मतलब मन ताज़ा हो गया यार सच में। और यहाँ पे देख सकती हूँ ये उनके दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, अभी यही देखना अभी आपको हाय करेंगे। आएगी आएगी पर आएगी वो। देखिए कितनी वहाँ पे नाव दिख रही है ब्लू कलर की, अभी इनके दोस्त आपसे हाय बोलेंगे। देखो वो वहाँ पे हमारे हस्बैंड बैठे हुए थे आगे की तरफ, और भाई ने मांगा उन्हें कि वो चढ़ा दी, और बहुत ही प्यारा सीन था गाइस सच में। और सभी लोग देखो सारे दोस्त बैठे हुए हैं, सभी मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, और आसपास देखो कितना प्यारा नजारा है, और कुछ लोग मना भी कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। और ये मोबाइल टेढ़े में रखा था यार सच में, मोबाइल टेढ़ा है ना तो थोड़ी वीडियो अच्छे से नहीं आई है। ये देखो अच्छा लगता है ना गाइस, फ्रेंड्स के साथ जाओ इंजॉय करो तो अच्छा लगता है। गोवा तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जगह है यार, और बहुत आजकल तो सभी लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ। नहीं मतलब ऐसे मम्मी पापा को जाना अच्छा नहीं लगता मेरे, बाकी भाई भाई लोग बहन लोग ये इन लोगों के साथ जा सकते हैं, बट मेरे मम्मी पापा को ये सब कुछ पसंद नहीं है ऐसी जगह, मतलब जहाँ पे क्योंकि आपको पता है ना बीच पे क्या होता है ना, तो वो देख के मम्मी पापा के सामने थोड़ा अजीब लगेगा ना, इसलिए मम्मी पापा के साथ तो जा ही नहीं सकते। आप या तो अपने हस्बैंड के साथ जा सकते हो, या तो फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, भाई बहन के साथ भी, बहन के साथ या हाँ उनकी फैमिली हो तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन यार फिर भी थोड़ा अजीब लगता है हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, बाकी पता नहीं। तो यही तब गाइस देखिए गोवा के बीच है, यहाँ पे गोवा है कैसा है लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट में। और अभी आगे मैं आपसे बात भी करने वाली हूँ तो पूरा वीडियो देखते रहिए, आगे मैं आपको कुछ सीक्रेट बताने वाली हूँ इस वीडियो के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। हेलो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं देखा, पूरी वीडियो अगर देखी है तो फिर मैं आपको मिल जाऊंगी, और अगर पूरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको नहीं मिलूंगी, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है और आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैं उसमें कहाँ हूँ
तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं उस वीडियो में नहीं हूँ। तो वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये जो वीडियो थी ये थी शादी से पहले की, और उस टाइम पे ये गोवा गए हुए थे और मैं अपने ही थी, मैं भोपाल से बाहर कहीं नहीं गई थी। तो ये वीडियो में मैं इसीलिए नहीं हूँ और ना ही मुझे जगह का पता है, क्योंकि मैं गोवा कभी गई ही नहीं हूँ। और गोवा तो क्या यार, जी का गोवा का मतलब यार मैंने देखा भी नहीं है कि बीच कैसा होता है यार। मैंने तो समुद्र ही नहीं देखा, मैंने ऐसे भोपाल में जो झीलें वगैरह देखी है बस, मैंने समुद्र नहीं देखा कभी। और मेरा मन बहुत था जाने का शादी के बाद, लेकिन नहीं जा पाए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए नहीं जा पाए। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो बनाने का जो एक रीजन था, वो रीजन ये था कि अभी लॉकडाउन है, अभी हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। और मैं सोची थी आप लोगों से यार कोई ब्लॉग जो है शेयर करने के लिए, ब्लॉग बोल रही हूँ, ब्लॉग शेयर करने के लिए, तो मेरे पास था ही नहीं कुछ भी ब्लॉग, मैं कैसे शेयर करती यार। तो मैंने पता है जब मैं गैलरी में गई तो मैंने देखा कि ये गोवा की वीडियो जो थी रखी हुई थी बहुत सारी, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये वीडियो अगर मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी तो सेफ भी रहेगा, इसके अलावा आप कुछ तड़का वड़का लगा के वीडियो शेयर कर दूंगी तो अच्छा भी होगा, आप लोगों को भी मजा आएगा। तो गाइज यहाँ पे पता एक मेन पॉइंट मिलता है, वो ये कि लॉकडाउन में अगर आप कहीं नहीं जा सकते हो तो आपके पास कोई ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो आप अपने यूट्यूब पे जो है शेयर कर सकते हो, तो बिल्कुल करो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो शेयर कर सकते हैं गाइस। तो देख दिया है तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जल्दी जल्दी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय बाय।